ओके okay. चलो हमने ऑडिट कर लिया ऑडिटिंग डेफिनेशन कर लिया फीचर्स कर लिया नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिट का ऑडिट करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त ऑब्जेक्ट होता है ऑडिट का प्राइमरली अपना ओपिनियन देना पहला ऑडिट करवाता क्यों है इंसान मान लो मैंने अपनी कंपनी में ऑडिटर को बुलाया कि सर आप ना मेरी कंपनी में आके ऑडिट कर दीजिए तो क्या चाहता है कि सर आप अपने ओपिनियन दीजिए कि मेरे कंपनी का काम सही है कि नहीं सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा ठीक है तो यहां पे ऑडिटर क्या करता है अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑडिट का क्या है कि ओपिनियन देना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या फिर जो भी सब्जेक्ट मैटर उसे मिला है जिस भी चीज का वो ऑडिट कर रहा है उसका उस पे

of company at the end of the financial statement uh, financial year and in case of profit and loss accounts of profit or loss for its financial year Is my opinion word mentioned in the second line The objective of auditing linked with basic objective of financial statement that these should be these should portray the true and fair view of the operation uh, and state of affair of the entity ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग down डाउन टू by बाय एप्लीकेशन ऑफ technique टेक्निक whether the फाइनेंशियल स्टेटमेंट are true एंड fair सो so दैट informed ऑपिनियन ठीक है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका है क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी चीजें आपने चेक की इतनी चेक किया ऑडिट किया इतना सब कुछ किया डिस्कशन किया मैनेजमेंट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इवन कभी कभी किसी गलती शेयर होल्डर से भी तो वो इसलिए क्या है ताकि आप अपना ओपिनियन दे सकें ओपिनियन क्या दे सकें कि सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा दो पॉइंट है ओपिनियन और ट्रू एंड फेयर व्यू अब कहोगे ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है <coughs> ट्रू एंड फेयर व्यू होता है हा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सही सही बुक्स बनी हुई है सही सही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं ये होता है ट्रू एंड फेयर व्यू अब जैसे मान लो आपने एंट्री की एंट्री क्या करी मान लो आपने एसेट uh, खरीदा तो आप क्या करते हो पहले एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी दस लाख दस लाख अब इसके सेकेंड एंट्री क्या करते हो आप वो वाली पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक दस लाख दस लाख अब इसी एंट्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक दस लाख दस लाख दोनों ही सही चीज है एंट्री दोनों ट्रू है ना दोनों ही सच्ची एंट्री है ना सही एंट्री है ना मैंने बस प्रेजेंटेशन अलग कर दी लेकिन है तो सही ट्रू एंड फेयर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंपनी एक एक चीज़ को आपके तरीके से कर रही हो कि डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो कर रही हो या फिर क्या बोलते हैं वो एक एंट्री के तीन तीन चार चार एंट्री बना के ही कर रही हो हो सकता है कि किसी एक ट्रांजेक्शन की चार एंट्री बननी थी मान लो उसमें लोन भी आ जाता तो उसकी एंट्री और बड़ी हो जाती लोन भी पेमेंट करना होता है फिर अगर पहले लोन रिसीव करते फिर तो उसका पेमेंट करते फिर एसेट्स को रखते फिर एसेट्स पर अभी हम डेपेशन भी लगाएंगे तो बहुत सारी एंट्री का हो सकता है वो तीन एंट्री में ख़त्म कर दे दो एंट्री में ख़त्म कर दें जैसा कि अभी हमने दो एंट्री को एक ही में बना दिया करा तो काम सही है ना तो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए उसकी ऑर्डर की नजरों में ऑर्डर की नजरों में ये ना हो कि या बुक्स ऑफ अकाउंट इनकरेक्ट हो गलत हो रॉन्ग हो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑल्टर के ओपिनियन में होना चाहिए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्डर का अपने ओपिनियन देना ओपिनियन क्या देगा वो किस बेसिस पे देगा कि भैया उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी चीज है का वो ऑडिट कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा ट्रू और और नहीं है ये एंड है एंड ट्रू भी सच एंट्री सही भी होनी चाहिए और फेयर भी होनी चाहिए बेशक बीस डबल एंट्री देगा सिंगल एंट्री कर दो लेकिन एंट्रीज तो सही होनी चाहिए ना मतलब होनी तो चाहिए एसेट खरीदा है तो एसेट की एंट्री तो होनी चाहिए ना राइट खरीद चाहे तुम ये एंट्री मारो ये एंट्री मारो ये भी है ये भी है यानी ट्रू हो गई यानी ट्रू भी हो गई अब ट्रू है और फेयर भी होना चाहिए फेयर यानी इसकी जगह आप ये एंट्री कर दो तो ये भी सही है गलत तो ये भी नहीं है ठीक है तो ट्रू एंड फेयर इस चीज में आपको ध्यान रखना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फेयर व्यू आपका रहेगा ठीक है आ, ताली क्लास थोड़ी लंबी जा रही है जस्ट बिकॉज आपको बहुत सी चीजें समझानी थी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव एक ही होता है ऑर्डर का बस ओपिनियन देना बट हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट की बुक में इंस्टीट्यूट कह रहा के सॉरी अपनी डी की बुक में दो ऑब्जेक्टिव हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अब हम देखते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन देने के लिए क्या क्या काम हम करेंगे वो इन्होंने डाल दिया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में फिर से रिपीट कर देता हूं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के सपोर्ट में जो जो काम करना है वो आ जाएंगे सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ठीक है अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ओपिनियन देना कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उसको ओपिनियन देने के लिए आप क्या क्या -कर चीज करोगे वो आ जाएगी आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव uh, में अब देखो क्या लिखा है इसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटिंग डिटरमाइन एरर डिटेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड डिटेंशन ढूंढना फाइंड करना ढूंढ के निकालना कॉल्ड डिटेंशन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है ओपिनियन तो आप तभी दोगे ना जब आपको पता चले कि भैया गलतियां क्या है फ्रॉड क्या है तो वही बोला है कि गलतियां एरर एंड फ्रॉड ये फाइंड करोगे तभी आप अपनी उस पर ओपिनियन बना पाओगे कि भाई वो सही है और फेयर है या नहीं ठीक है अब देखो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या पड़ी हमने? क्या क्या चीजें हमने? हमने? डिटेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एरर और, और फ्रॉड ये दो चीजें हम चेक करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि क्या है ओपिनियन हमारा सही रहेगा ट्रू रहेगा या नहीं रहेगा चलो थोड़ा सा यहां फास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी चीज है पहले पढ़ते हैं डिटेंशन ऑफ एरर ठीक है पहले बताओ एरर होता है क्या है एरर और पॉड में क्या डिफरेंस है एरर होता है गलती से गलती ठीक है इजी भाषा में समझे एरर का मतलब क्या होता है गलती से गलती करना गलती से मिस्टेक हो गया जी दिस इज कॉल्ड एरर पॉड क्या होता है सर आप समझते हो प्रॉड का मतलब जानबूझ के गलती करना और उससे कुछ फायदा निकाल लेना अपना जैसे कंपनी का मान लो अकाउंटेंट बैठा है उसने क्या करा उसने क्रेडिटर को पेमेंट डालनी थी उसने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं डाली बुक्स में तो लिख दिया कि भैया क्रेडिटर को पेमेंट हो गई उसे पता ये क्रेडिटर ना ऐसे ही है सुन बहुत बड़ा आदमी है वो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन पे ध्यान नहीं देगा तो अकाउंटेंट ने क्या किया क्रेडिटर को अपने बुक्स में दिखा दिया कि को पेमेंट हो गई है तो की एंट्री करने थी ABC अकाउंट बैंक करना था। उसने कर दिया एक्स वाई जी अकाउंट टू बैंक ये तो गलती हो गई ना बेचारे से ये तो सिर्फ गलती हुई पैसा उसी को गया है लेकिन गलती से उसने एंट्री अलग कर दी ठीक है तो एरर और फ्रॉड का मतलब सिंपल वे में इतना ही होता है और इतना ही दिया भी हुआ है देखिए एरर में भी डिफाइंड एज अनइंटेंशनल, जान के नहीं गलती से अन इंटेंशनल नॉट इंटेंशनल मिस्टेटमेंट मिस्टेट मतलब गलती मतलब गलतियां होता है हिंदी में इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है इतना ही मतलब होता है गलती से गलती होना इज एरर और जानबूझ के गलती करना इज फ्रॉड सिंपल अब एरर कई प्रकार के होते हैं जिसका क्वेश्चन आपका बन सकता है ठीक है एरर क्लैरिकल प्रिंसिपल डुप्लीकेट सेटिंग एरर बहुत सिंपल है यही समझ लेते हैं फिर आपकी इसकी डेफिनेशन आप मैं जल्दी से रीड करवा दूंगा देखिए आपको क्लैरिकल लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है आप सीधा लिख सकते हैं कि आ, एरे कितने प्रकार के होते हैं एक एर कमीशन हो गया दो कमीशन हो गया तीन प्रिंसिपल चार और ये पांच अब डायरेक्ट ये भी डाल सकते हैं ठीक है देखिए क्लैरिकल एरर क्लैरिकल एरर क्या होता है जी क्लैरिकल एरर ये होता है अकाउंटेंट ने कीबोर्ड में गलती से चीजें इधर उधर कर दी हैं। क्लैरिकल एरर कर दिया अपने डेली रोजमर्रा के काम में कुछ गलती कर दिया उसने बार बार ध्यान रखना अभी हम एरर पढ़ रहे हैं गलती से मिस्टेक ठीक है एरर ऑफ ओमिशन ओमिशन का वर्ड होता है ओमिशन का मतलब क्या होता है ओमिट ओमिट का मतलब होता है जो कि आपने किया ही नहीं ठीक है आपने एंट्री करना ही भूल गए बिल आया आपने करी परचेज किया कोई सामान उसका उसने बिल भेजा आपने अपने बुक्स में दिखाया ही नहीं तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन सेकेंड मतलब बिल आया परचेज का ठीक है बिल आया परचेज का और आपने एंट्री कर दी कुछ और परचेस का बिल आया एबीसी से जो मैं आपको पहले ना सेम एग्जांपल यहां अप्लाई होगा करना था एबीसी परचेज टू छोटा छोटा लिख रहा हूं और आपने क्या कर, कर दिया एक्स वाई जी टू बैंक अमाउंट डाल दिया ठीक है एंट्री तो आपकी सही है बट तो आपने पार्टी गलत कर दी दिस इज एरर ऑफ कमीशन अभी इसको हम पढ़ेंगे डोंट वरी जिसको समझ में अभी यहां तो थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है जब हम पढ़ेंगे तब तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल भाई सिद्धांत ही गलत कर दिया आपने एंट्री का एंट्री का आपने सिद्धांत ही गलत कर दिया करना था सेल्स की एंट्री बिल था सेल्स का चढ़ा दिया आपने परचेज में था रिवेन्यू की एंट्री आपने कर दिया कैपिटल की एंट्री आपने छोटा मोटा खर्चा किया था आपने किसको डेबिट कर दिया एसेट को डेबिट कर दिया तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना अकाउंटिंग का आपने एक चाय पी ठीक है स्टाफ वेलफेयर की एंट्री मारनी थी आपने अपने स्टाफ के लिए चाय मंगाई वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है आपने क्या कर दिया उसको डाल दिया एसेट में तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना मेरे भाई जब कॉन्सेप्ट गलत हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ डुप्लीकेशन ये बताने की आपको जरूरत नहीं डुप्लीकेट एंट्री मार दी एक ही एंट्री दो बार कर दी सिंपल एक गलती हो गई हो जाती है गलती टैली में आप क्या करते हो जिनको नहीं पता टैली में डुप्लीकेट के लिए शॉर्ट की होती है ठीक है कंट्रोल सी ऑल्ट सी कुछ करके होती है मुझे अभी याद नहीं आ रही तो कई बार क्या करता है कंट्रोल आ, सी मतलब मान लो कॉपी करने की एंट्री होती है कंट्रोल सी कंट्रोल सी करने के बाद वो एंट्री पोस्ट ही कर देता सीधा उसमें चेंज करने के बजाय एंट्री ही पोस्ट कर देगा जैसे बंदा सेल्स के बिल चढ़ा रहा है ठीक है सेल्स के बिल चढ़ा रहा है ऐसे लिखूं कैसे लिखूं ए अकाउंट टू सेल्स ठीक है यार थोड़ा बड़ा बड़ा करता हूं ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स और उसके पास सेल्स का रजिस्टर है वो बार बार एंट्री चढ़ाया जा रहा है तो अकाउंटेंट क्या करता है कॉपी करता है फिर से लिखता है अब फिर ये एंट्री ऐसे आ जाती है तो उसको ना ए अकाउंट को ना जाकर चेंज करना होता है जब हम कंट्रोल ओल्ट सी दबाते हैं तो ऐसे एंट्री दोबारा आ जाएगी यानी यहाँ पे मान लो दस लाख की सेल करी अब हमें एक और एंट्री डालनी है पाँच लाख की जो उसने बेची है किसको है एक्स को एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल ये छः लाख छः लाख अब उसने क्या करा अकाउंटेंट ने कॉपी तो कर दी लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम चेंज करना भूल गया यहां पे x की जगह उसने क्या कर दिया a ही कर दिया दोबारा a करके अकाउंट एंट्री कंप्लीट कर दी डुप्लीकेट एंट्री होगी दो बार होगी सेम एंट्री ठीक है सिंपल था ये मुश्किल नहीं था कंपनसेटिंग एरर ये थोड़ा सा अच्छा है है ये भी सिंपल ही कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपने जो गलती की ना उससे आपके बुक्स में असर ही नहीं पड़ा आपका जितना पेंडल होना चाहिए था उतना ही है जितना एसेट होना चाहिए उतना ही है ट्रायल बैलेंस पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा एक एंट्री दूसरे से नॉक ऑफ हो गई बस इतना सिंपल सा पॉइंट है कंपनसेटिंग एनजर का अब इसको हम पढ़ लेते हैं पढ़ेंगे तो आपको लिखना कैसा वो ध्यान में आ जाएगा ठीक है देखो ऑफ फॉर्मिशन बताने की जरूरत नहीं है इट अक्कर्स वैन ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड ठीक है मेन पॉइंट इसका इतना ही है ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दुक्स ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड ऑमिटेड वर्ड यूज कर लिया नॉट रिकॉर्डेड वर्ड यूज कर लिया ठीक है दूसरा एर ऑफ कमीशन देखो एर ऑफ कमीशन नेग्लिजेंस मतलब ऑर्डर नेग्लिजेंट हो गया जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया और एंट्री गलत कर दी ठीक है क्लैरिकल नेचर की एंट्री थी उसने एंट्री गलत कर दी इसमें तो एंट्री करी ही नहीं थी इसमें एंट्री गलत कर दी इसमें एंट्री का कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया इसमें क्या था एंट्री थी सेल करी थी ए को ए को सेल करी थी और इसने दिखा दिया सेल टू बी ठीक है एंट्री गलत हो गई

लास्ट ठीक है रोड आ गया अच्छा कंपन सेटिंग एरर यहाँ नहीं दे रखा कंपनसेशन एरर मैं आपको डलवा दूंगा दोबारा जो आपके पास स्लाइड जाएगी कंपन सेटिंग एरर फिर से बता देता हूँ सेटिंग एरर इज एरर एर पीच काउंटर बैलेंस ओरिजिनल एंट्री ठीक है या फिर रॉन्ग एंट्री उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता ठीक है एक तरफ की टोटलिंग कर दी आपने मान लो एक पेज पे आपने टोटलिंग कर दी आपने बुक्स बनाई सेल्स रजिस्टर बनाया दस लाख की सेल हो गई यहां पे क्या कर दिया आपने गलती से ना दस लाख टोटल दस लाख आना था यहां पे डाल दिया आपने आठ लाख टोटल में लेकिन अगले पेज पे ना आपने पहली एंट्री दो लाख से बढ़ा दी यहां पे तो दो लाख कम आया था अगली एंट्री दो लाख से बढ़ा दी तो बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा ना ट्रायल बैलेंस में आपका तो होता है कंपनसेटिंग एरर ठीक है अब आते हैं फ्रॉड फ्रॉड क्या होता है फ्रॉड ऐसा बताया कि जानबूझ से हुई गलतियां क्या होती है फ्रॉड वही लिखा है देखो फ्रॉड इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंट्री इंटेंशनली ये देखिए जान बुझ की हुई गलतियां क्या होती है फ्रॉड अब फ्रॉड कितने प्रकार के होते हैं जो आपकी बुक में है वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं फ्रॉड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मिसअ्रोप्रियशन ऑफ अकाउंट्स अब इसमें आपकी बुक में जो मैंने बुक आपको दिखाई थी इसमें बहुत बड़ा दे रखा है बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इतना लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैसे कर सकता है बंदा अकाउंटेंट है मान लो जैसे कि मैंने बताया कैश को कैसे कैसे वो कैश चुरा सकता है ठीक है मान लो उसने एक एंट्री जबरदस्ती डाल दी कोई बंदा था ही नहीं उसने डाल दिया कि ना एक अमन नाम के बंदे को हमने अमन नाम के बंदे से हमने माल परचेज किया है जबकि कोई अमन बंदा है ही नहीं आपका क्रेडिटर अमन नाम का को कोई सप्लायर ही नहीं है इसने एक फेक एंट्री डाल दी अमन नाम के बंदे की एंट्री डाल दी और उससे क्या करा दूसरी एंट्री पास कर दी अमन टू बैंक और बैंक से क्या करा वो जब पैसा जाना था वो उसने खुद जबत कर लिया ठीक है ऐसे जो चीजें होंगी उसे बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश स्टॉक का बताने की जरूरत नहीं है गुड्स का आपने सेल्स दिखा दिया और सेल तो की नहीं थी गुड्स निकाल लिए अपने पास ठीक है अपने घर में यूज कर लिया एक फोन गायब कर दिया आपने कंपनी से आपने नहीं मतलब उस बनने की कंपनी में से इंप्लॉज ने मैनेजर ने वर्कर ने किसी ने भी ठीक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स यानी बुक्स में खेल कर गया वो किताबों में एंट्रियो में ही झोल कर गया एंट्री में झोल करके उसने बेनिफिट निकाल लिया उसे बोलते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स तो तीन तरीके से आप फ्रॉड हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो डायरेक्ट कैश से फ्रॉड कर ले हो जाए या फिर डायरेक्ट गुड़ी खत्म चोरी हो जाए या कुछ आ, मिस अप्रोप्रिएट हो जाए या फिर बुक्स में ही आप कुछ गड़बड़ी कर दो ठीक है बुक्स में आपने सेल्स थी नहीं आपने जान सेल्स दिखा दी कि हाँ भाई मैंने तो बल इस, इस बार की सेल मेरी करोड़ों में हुई है क्यों दिखाना चाहते हो ताकि वो आप बैंक को दिखा पाओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोलो सर हमें लोन दे दो क्योंकि हमारी सेल्स बहुत अच्छी गई है इस बार इसलिए भी लोग बढ़ा के दिखाते हैं और घटा के तो दिखाते हैं कई बार घटा के क्यों दिखाते हैं अपनी बुक्स में लोग कि कम प्रॉफिट दिखाएं कम सेल्स दिखाएं ताकि हमें टैक्स कम भरना पड़े ठीक है दोनों तरीकों से बुक्स को आप गड़बड़ कर मतलब आप नहीं गड़बड़ी हो सकती है किसी भी द्वारा किसी भी बंदे के द्वारा ठीक है देखो आप इसका पूरा पढ़ लेते हैं पूरा दे रखा है कैश इन दिस केस फ्रॉड इन दिस केस ऑफ फ्रॉड द कैश इज यूज फॉर द मीनिंग फुल पर्पज और इट हैज बिन यूज फॉर फ्रॉडलेंट पर कह रहा है ये कि ये सिर्फ आपका कंटेंट बड़ा करने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है देखो कैश कैश का मिस अप्रोपेशन कैसा होता है परचेज बोला था ना एक फॉल्स बिल डाल दिया परचेज का और पैसा देना था किसी और को खुद निकाल लिए मतलब किसी को देने ही नहीं थे एक नया क्लाइंट क्रिएट कर दिया ठीक है या फिर एक्सपेंस डाल दिया कोई फॉल्स कंसीलिंग कैश यानी चोरी कंसीलिंग करना है? चोरी कर लिया कहीं से कैश आया सेल से कैश आया या कोई और छोटे मोटे काम से कैश आ गया बिजनेस में इसने वो निकाल लिया डायरेक्टली चोरी कर लिया मिस अप्रोपेशन ऑफ गुड नहीं, नहीं कई बार क्या होता है गुड्स को कैसे मिस अप्रोप करोगे मान लो आपकी कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है मशीन तो चोरी करेगा नहीं बंदा जनरली ये चीज कहाँ होते हैं जहाँ पे छोटी चीज हो और महंगी हो जैसे मोबाइल फोन चालीस चालीस हजार एप्पल का फोन डेढ़ लाख दो दो लाख का आता है ठीक है अब फोन तो इतना सही होता है वो तो चोरी करना चाहे तो कर भी सकता है तो जर्नली आपका यूनिवर्सिटी क्या कहती है इस टाइप के फ्रॉड वहाँ होते हैं जहाँ पे सामान छोटा हो गुड्स छोटा हो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो यह सोना हो गया चांदी हो गया अब वहाँ के एम्प्लॉय मान लो इसका गायब कर दे क्या पता चल रहा है लेकिन वैसे होता नहीं है ऐसे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से चोरी हो सकता है कब चोरी हो सकता है गुड्स जब गुड्स छोटा हो और कॉस्टली हो यानी महंगा हो वहीं तो बंदा चोरी करेगा ना अब टूथपेस्ट की कंपनी में जाके बंदा एक टूथपेस्ट पेस्ट थोड़ी चोरी करके ले आएगा वो तो वैसे ही मांग लेगा मैनेजर से या तो कहेगा यार चोरी कर लूँगा तो इतने का तो सामान नहीं है जितने का तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी जनरली इस टाइप के फ्रॉड कहाँ होते हैं दोबारा बोल रहा हूँ तिबारा बोल रहा हूँ चार बार बोल रहा हूँ जहाँ पे गुड्स छोटा हो यानी माल छोटा सा हो और जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो होप इट इज क्लियर मैनुप्लेन ऑफ अकाउंट्स जैसे मैंने बोलते बोला देखो वही चीज शायद दिखी है इसमें मैनो समाउंट्स आर मैनुप्लेटेड टू शो मोर और लेस प्रॉफिट इट इज डन इंटेंशनली सीनियर मैनेजर और इंटेंशनली बाय प्रोपराइटर ये प्रोपराइटर भी कर सकता है मैनेजर भी कर सकता है कंपनी का बड़े बड़े लोग भी कर सकते हैं या फिर खुद खुद का मालिक भी कर सकता है कई बार वो प्रॉफिट कम दिखाता है कई बार ज़्यादा दिखाता है कम दिखाने का रीजन बताया दिया ताकि वो टैक्स बचा पाए ज़्यादा दिखाने का रीजन ताकि वो अपनी कंपनी का तेल ज़्यादा दिखा दे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दे ताकि मार्केट में वो ये बोल पाए कि मेरी कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है उसके बेस पर वो और काम उठाए या फिर उसके बेस पर वो लोन ले पाए ठीक है तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि कम क्यों दिखाता है क्योंकि टैक्स बचा पाए कई बार कई बार ज़्यादा क्यों दिखा देते हैं ताकि उसकी वजह से अपनी मार्केट की वैल्यू दिखा दें और उस पर लोन वगैरह ले पाए ठीक है तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट है आपकी बुक में दे रखे होंगे बट उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि पहली क्लास है थोड़ा सा इजी वे में चलेंगे हम थोड़ा सा स्लो चल रहा था पहली क्लास में क्योंकि आपको बहुत से छोटे छोटे चीज़ें समझानी थी जो कि बहुत ज़रूरी था समझाना अदरवाइज आपको आगे दिक्कत आ सकती थी ठीक है और दो आज आज हमारे हमें कम से कम चार टॉपिक क्लियर करने थे पढ़ लेने थे लेकिन हमें हमने बेस अच्छा सा तैयार कर लिया जिसकी वजह से हमें ज़्यादा समय लगा ठीक है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से प्रिंसिपल से तो एक बार क्या करते हैं हम ना जल्दी से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सब सबसे पहले ऑडिटिंग ऑडिटिंग क्या होता है दूसरी ध्यान रखनी है ऑडिटिंग में सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एक सिस्टम से ऑडिट होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए यानी किसी के दबाव में रहकर ऑडिट नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद हमने पढ़े उसके फीचर्स फीचर्स में क्या था सिस्टमैटिक होता है ऑडिटर तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए ऑडिटर अपनी ओपिनियन भी देगा ऑडिटर अपने ओपिनियन देता है ना ऑडिटिंग में ये भी एक फीचर है एविडेंस सबूत होना चाहिए आपके पास हर चीज का कि ये चीज सही है या गलत है अब आते हैं ऑब्जेक्टिव दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ओपिनियन देना ऑडिटर का ओपिनियन देगा ओपिनियन क्या देगा कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है ठीक है जिस भी चीज का आप ऑडिट कर रहे हो वो उस उसपे ओपिनियन देंगे हम कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हम आ, क्या चीजें चेक करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमारे अगेन दो चीजें हैं दो चीजें चेक करेंगे कि एरर कौन कौन से हैं और फ्रॉड कब कब हुआ है एरर और फ्रॉड में क्या अंतर है दोबारा बता देता हूँ एरर इज गलती से मिस्टेक फ्रॉड इज जान के गलती करना ठीक है अब एरर में कितने प्रकार के एरर होते हैं पांच एरर हमने सीखे थे कमीशन प्रिंसिपल कंपनसेटिंग और एक और एरर क्या था डुप्लीकेट ठीक है कमीशन में एंट्री की ही नहीं हमने कमीशन में एंट्री हमने गलत कर दी प्रिंसिपल में हमने एंट्री का कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया एसेट दिखाना था हमने लाइब्रिलिटी दिखा दी या फिर जैसे मैंने बताया था रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस था हमने कैपिटल नेचर का दिखा दिया तो गलत हो गया एर डुप्लीकेशन डबल एंट्री हो गई कंपनसेटिंग एरर एंट्री ऐसी कर दी हमने कि जिसकी वजह से कोई इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ा ठीक है जैसे हमने क्या समझा था इसका एग्जांपल कि एक एक पेज पे सेल्स ज्यादा दिखा दी दि, दूसरे पेज पे सेल्स कम दिखा दी दि. तो एक तरह से वो बैलेंस आउट हो गया ठीक है टाइप टाइप ऑफ एरर ये पढ़ लिया था फ्रॉड फ्रॉड अगेन जानबूझ के जो किया जाए गलती वो होता है फ्रॉड फ्रॉड कितने प्रकार के तीन प्रकार के कैश गुड्स अकाउंट्स कैश में क्या पढ़ा था कैश चोरी हो जाए सेल्स दिखा दिया किसी फालतू बंदे को कैश निकाल लिया गुड्स छोटे गुड्स का कीमत अगर ज्यादा है उस समय जनरली ये वाला फ्रॉड होता है ये आपकी बुक में दिया होगा ठीक है यानी गुड्स चुरा लेना लास्ट अकाउंट्स अकाउंट्स में मेलकुलेट करना कभी ज़्यादा दिखा देना कभी प्रॉफिट कम दिखा देना कभी सेल्स ज़्यादा दिखा दिखाना सेल्स कम दिखा देना कभी परचेज़ ज़्यादा दिखा देना सर आप परचेज ज़्यादा क्यों दिखाते हैं कभी, कुछ लोग परचेज़ ज़्यादा दिखा देते हैं जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए उनको जीएसटी का क्रेडिट ज़्यादा मिल जाता है ठीक है तो मैंने एक और एग्जांपल ऐड कर दिया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं आपको क्या करके आना है? कुछ नहीं करना आपको सिर्फ पाँच से दस मिनट आज का टॉपिक बहुत ईजी था इनको एक बार रीड आउट कर लेना बस दिमाग में डाल लेना जो जो मैंने आज बताया है और कुछ नहीं करना पांच से दस मिनट दे देना रात को या कभी भी आप बैठोगे और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है ओके तो आज के लिए इतना था कल हम टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग टेक्निक्स और एक दो टॉपिक और हैं एडवांटेजेस लिमिटेशंस ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू, यू सो मच